चिल्ली काटा दो। ये क्या सब्जी? ये बैम्बू ट्रीज और आपको दिख रहा हो अंदर सिद्धवट मंदिर। हमें चलने की कोशिश करते हैं मंदिर के अंदर। टाइमिंग का कोई इशू नहीं है। ब्रजरंग बली की मूर्ति। तो अभी अपन जा रहे हैं रामघाट की तरफ और हो गए हमारे महाकाल जी के दर्शन। भाई अभी हमने रुद्राक्ष की माला ले ली है जो कि 100 रुपए की पड़ी। हमें 108 इसमें रुद्राक्ष है तो 108 रुद्राक्ष की माला। इन्होंने पहले हमें 150 रुपए बताए और दुकान पे ही माला आपको 250 रुपए में मिलेगी, तो हमने राह चलते हुए इसे 100 रुपए में ले लिया है। अपन ने तो अमरूद ले लिए अभी सुबह नाश्ते के लिए एक हिसाब से, तो अमरूद लिए। अपन आ गए हैं रामघाट पे जो कि बना हुआ है सरयू नदी के तट पे, तो आपको नज़दीक से दिखाता हूँ इसका। तो अपन चलते हैं ब्रिज पे। तो मछली को थोड़ा तो दान पुण्य भी कर लेते हैं। लो दो मछली काटा दो। ये क्या? नहीं नहीं आटा दो ना। आटे की गोली नहीं भैया, खत्म हो गई मंडी। कर रही है। वो भी खाएगी, परमल भी खाती, सब खाती है। तो 10 रुपए का अपन ने ले लिया मछली का दाना। अभी डालते हैं इनको। आप ये देखिए पहले तो फूल और ये डोने पत्तली सब फेंका हुआ है, तो कचरा किस स्तर पर किया हुआ है। इसमें तो धूप बत्ती जल ही रही है। तो भाई दिन में तो हमें मछलियाँ दिखी नहीं, तो हमने तो ऐसे ही डाल दिया सारा। तो भाई इस रामघाट की खासियत बता दूँ, यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है और जो लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जो कुंभ मेला आयोजित हुआ था वो 2016 में हुआ था, और जो नेक्स्ट कुंभ मेला जो यहाँ पर आयोजित होना है वो 2028 के अंदर होगा, और उसकी जो लास्ट डेट है 28 वाले की उसकी 8 में है जो कि मेरा बर्थडे है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ध्यान रह गया। और भाई देख सकते हो आप घाट पे लोग बाग किस तरीके से स्नान कर रहे हैं। ये देखिए दूर दूर तक कुंभ मेले में यहाँ पे पांव रखने की भी जगह नहीं होती है पूरी। ये सरयू नदी है, उसको रामघाट बोला जाता है। तो भाई जो कुंभ मेला है उसको कहा जाता है कि 12 साल में एक बार आता है, परंतु एक बात मैं आपको बता दूं, वो हर साल आयोजित होता है लेकिन जो सेम प्लेस होता है उधर 12 साल में एक बार होता है, तो इसलिए उसको कहा जाता है कि 12 साल में एक बार कुंभ मेला लगता है इसी एक ही जगह पे, बट वो हर साल ही लगता है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे। तो अभी अपन निकल रहे हैं रामघाट से। तो भाई अपन ने अभी टेम्पो कर लिया ये वाला, चलो बैठते हैं चलते हैं। तो भाई अपन ये जो राइट में आपको दिख रहा है ये संदीपनी आश्रम वगैरह, तो सबसे पहले अपन इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो भाई अपन सबसे पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं संदीपन मंदिर के सामने, तो हमारे पीछे है, बट उससे पहले हम अपना थोड़ा खाना वाना खा लेते क्योंकि भूखे पेट भजन नहीं पाते। तो अभी टाइम हो चुका है वैसे 11:44 और हमने अभी अपना जो सफ़रनामा स्टार्ट किया था आज का वो 11:25 पे किया था। तो अभी पहले खाना खाते हैं देन उसके बाद बात करते हैं आपसे। मेन्यू साई कृपा का अंदर से भी दिखा दूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे जो क्या है कि थाली की व्यवस्था है और अलग से मेन्यू भी है। तो भाई ये आ गई अपनी सेव टमाटर की सब्ज़ी और बटर नान। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं। तो भाई अपना लंच तो हो गया है और अपन ने ली थी सेव टमाटर की सब्ज़ी और 200 रुपये के अंदर अपना सारा कुछ हो गया है और ढंग से खा भी लिया है। चलें सामने जाना है ना। तो सामने हमारा आश्रम है,
तो उसके लिए कोई टिकट नहीं है ऐसा मैंने पूछ लिया इनसे पहले ही। अंदर जाके देखते हैं कैसा है। कुछ एंट्री है महर्षि संदीपनी तपस्थली। आओ तो यहाँ पे जूता स्टैंड भी बनाया हुआ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हर जगह की तरह। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर मतलब आश्रम के अंदर। सुदामा बलराम बालाजी वामन नारायण श्री हरण मिलन धन कुबेर। तो भाई मंगल दर्शन का टाइमिंग यहाँ लिखा हुआ है। तो अंदर भाई शिवलिंग भी बना हुआ है यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सर्वेश्वर महादेव में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। चूंकि ये आश्रम है तो आश्रम का ही पूरा पेंटिंग के थ्रू समझाया गया है। पुष्पास्त्रण दशन वसनान ग्रान पढ़ने में भी नहीं आ रहा यार। मणिभूमि का कर्म तो इस तरीके से पेंटिंग लगी हुई बहुत सारी जो कि मेरे को दूर तक दिख रही है। यहाँ देखिए बैम्बू ट्रीज और उसकी छाया में ये पेंटिंग कितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म लग रहा है ये। तो पीछे दिख रहा होगा आपको पूरा गार्डन बना हुआ है। काफी पॉजिटिव एनर्जी लगती है चारों तरफ ऐसी जगहों पे। भाई अपन तो निकल रहे हैं बिना जूतों के ही और मैं सोच रहा हूँ कि टैक्सी में जूते लेके बैठ जाते हैं क्योंकि अब सारे मंदिर ही जाना है तो बार बार जूते उतारने पड़ेंगे। उस केस में अब मैं जूते टैक्सी में ही रख देता हूँ और फिर चलते हैं आगे देखते हैं। तो भाई संदीपनी आश्रम के बाद अब हम जा रहे हैं मंगलनाथ जी के द्वार पे। तो चलिए चलते हैं देखते हैं आगे। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद हम आ गए मंगलनाथ मंदिर और इसका जो एंट्री है वो कुछ इस तरीके से। तो मंदिर की तो अभी इमारत का काम चल रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ऊपर गुंबद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे चारों तरफ आपको दिख रहा हो अंदर डेप्थ तक यज्ञ चल रहा है। आज जी के यहाँ से आपको शिप्रा नदी के भी दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी एक तट बना हुआ पूरा और बहुत सुंदर नज़ारा है यहाँ से पूरा खेतों के बीच में जैसे नदी बह रही है। यहाँ ब्रिजेस बने हुए हैं काफ़ी सारे वो दिख रहा होगा वो ब्रिजेस बने हुए हैं। क्या मैं दिखा देता हूँ और अंदर से आपको। तो भाई ये है भुवनेश्वरी पृथ्वी माता का मंदिर। और यहाँ पे लग रही है लाइन तो आपको दिख रहा होगा कितनी लंबी लाइन है मंदिर दर्शन हेतु। दोस्तों हम लाइन में नहीं लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 1 घंटे का समय लगने वाला है और टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है क्योंकि टैक्सी वाले को भी वेट करवाना सही बात नहीं है। तो वो सामने जो है मंगलनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे मंगलनाथ जी ने जन्म लिया था वो जन्म स्थान बना हुआ है। के पीछे की तरफ जो इमारत आपको दिख रही है पक्षियों के लिए बना हुआ पूरा और आपको लेफ्ट में लेके चलता हूँ इसके जहाँ से घाट आपको नज़दीक से दिख जाएगा। और मंदिर है तो मंदिर ऑब्वियसली चारों तरफ मंदिर ही मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े। तो यहाँ से देखिए यह है शिप्रा नदी और ऊपर ये है पुल जो आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो भाई अभी अपन मंगलनाथ मंदिर से अब जा रहे हैं सिद्धवट मंदिर की तरफ, और उसके बाद जाएंगे हम काल भैरव मंदिर की तरफ। मेन हम आ गए हैं सिद्धवट मंदिर, और उसका मेन द्वार ये इस तरीके से है। और हमने अपनी टैक्सी तो पीछे लगवाई दी है, और उसे भी हमने अपने जूते रखवा दिए हैं, तो हम नंगे पाँव ही घूम रहे हैं अब हर जगह। और लेकिन यार ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यार यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। मंगलनाथ मंदिर में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसकी वजह से ये जो कॉन्क्रीट है तो काफ़ी चुभती है ये पाँव में, परंतु कोई नहीं अपन एडजस्ट कर लेंगे। तो भाई यहाँ पे जो मेन मुख्य कारण है इस मंदिर का, तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे पिंडदान किया जाता है, जैसे कि मंगलनाथ मंदिर में भी किया जाता है वैसे तो, और ये भी शिप्रा नदी के तट पे ही होता है सब कुछ। तो वहाँ पे देखिए आप पूरा यज्ञ चल रहा है, जो भी पिंडदान की रस्म करना चाहता है वो उधर यज्ञ में बैठ सकता है। आपको साउंड आ रहा होगा सुहागा का, तो आप समझ जाइए यहाँ पे पिंडदान की प्रक्रिया चल रही है। ये देखिए तो अपन तो सीधा घाट की तरफ चल रहे हैं सीधा, बाकी हर जगह आपको यही दिखेंगे। और कोई भी पंडित आपको पूछता है तो आप अपनी श्रद्धानुसार अपना जो भी बताते हैं पिंडदान वगैरह करना चाहते हो तो किसी भी पंडित को पकड़ के करवा सकते हो। देख लो तो आ गए अपन सरयू नदी के तट पे भाई, शिप्रा नदी भी कहते हैं इसको। पानी देखिए क्लीन है, पर भाई ये थोड़ा सा ये कचरा जो भी है दिख रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। अरे आपका भाई तो छाया में चलने की कोशिश करते हैं। आ गया अपन छाया में भाई। तो ये मछलियाँ एकदम आइडल पोजीशन में है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए मछलियाँ बिल्कुल एकदम स्टेबल पोजीशन में है, मूवमेंट नहीं कर रही है, दिख रहा होगा आप लोगों को। क्लियर पानी नहीं है ना, गंदा हो रहा है पानी। ये पूजा पाठ का है, देखो कोई खा भी नहीं रही है, कचरे समझ रही है इसको भी। अब ये कचरा कर रखा है यार, कचरा नहीं पानी बंद किया हुआ है ना पीछे, तो ये नदी की बारिश का पानी रुका हुआ है सिर्फ। अच्छा बारिश का पानी रुका है क्या, ये सफाई चल रही है आगे मतलब। नहीं फिर भी ये देखो ना, ये तो जिंदगी भर कभी ठीक नहीं होगा। तो भाई ये देखिए महादेव जी, पीछे भी मेरे शिव मंदिर है। तो महाकाल के बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारे रूप हैं जिनको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता हूँ। तो भाई सिद्धवट मंदिर के दर्शन हो चुके हैं, और अपन अभी जाएंगे काल भैरव मंदिर की तरफ। तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं काल भैरव मंदिर की तरफ। चलिए तो भाई आ गए अपन काल भैरव मंदिर, तो पार्किंग से सीधा अपन जा रहे हैं मंदिर की तरफ, दिखाते हैं आपको पूरा रास्ता। यहाँ पे शराब वगैरह भी मिलती है, क्योंकि काल भैरव मंदिर में शराब भी चढ़ाई जाती है। तो ये नॉर्मल है, ये समझ में नहीं आता इनके पास लाइसेंस भी होगा कि नहीं, पर देखिए ठेका देसी शराब। यहाँ पे यार लाइन नहीं होनी चाहिए, और वो लिख रहा है काल भैरव मंदिर, तो ये इसका मेन गेट है। और भाई जिसका डर था वही हुआ, यहाँ पे थोड़ी लाइन लगी हुई है पर ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे जो उज्जैन में मैंने एक चीज़ देखी है, मंदिर के अंदर टाइमिंग का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वृंदावन में तो 12 बजे के बाद मंदिर बंद हो जाते थे, और यहाँ पे रात्रि 9 बजे ही तक खुले हैं ये मंदिर, तो आप देख सकते हैं। मुख्य द्वार तक तो आ ही गए हैं, और आगे भीड़ है उस हिसाब से लगता नहीं अगर अपन कैमरा निकाल पाएंगे।
तो भाई मेन मंदिर के अंदर जो महादेव जी का मंदिर है, शिवलिंग है, उसके आप दर्शन कर सकते हो, बट आप सेल्फी या फोटो नहीं ले सकते हो, तो मैं अपना कैमरा नहीं निकाल सका। तो जी अपने हो गए हैं काल भैरव जी के मंदिर के दर्शन, तो अब हम जा रहे हैं गढ़कालिका मंदिर की तरफ। 1.5 घंटे के अंदर हमने मतलब 4 मंदिर, जो बड़े बड़े मंदिर थे जिसमें हमने आधा घंटा तो लाइन में भी लगा दिया, तो 1.5 घंटे में हमने 4 मंदिर एक्सप्लोर कर लिए हैं। ये है गढ़कालिका मंदिर का मुख्य द्वार। लोग बहुत डांस कर रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए अपन तो एग्जिट लेते हैं हम यहाँ से। तो भैया अभी अपन चल रहे हैं बरतरे की गुफा की तरफ। ये अपन आ गए हैं ये बरतरे की गुफा की तरफ, और ये भी शिप्रा नदी के तट पर ही बना हुआ है। तो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा पूरी शिप्रा नदी है, और ये घाट बनाया हुआ है, यहाँ पर लोग बहुत पूजा भी कर सकते हैं उस हिसाब से। तो अभी अपन चल रहे हैं गुफा की तरफ, तो चलिए आपको पूरा रास्ता भी दिखा देता हूँ। पहले सामने मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो गाड़ी पार्क करने की जगह, अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर आते हैं तो पार्क कर सकते हैं आराम से। जूता स्टैंड तो है लेकिन अपन ने तो वैसे ही जूते नहीं पहने हैं। ये है बाबा गोपीचंद और भरतरी जी का आसन, और सामने है खूबसूरत सी बजरंग बली की मूर्ति, और यहाँ पे है कुछ तो है। अंदर का मैं दिखा देता हूँ कुछ इस तरीके से। भाई भाई वो पीछे जो दिख रही है वो सारी गुफाएं हैं, गोरक्षनाथ जी का मंदिर है ये दिख रहा है, हमारे भी गोरक्षनाथ जी का मंदिर है।